हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खाना घर घर का। फ्रेंड्स, आज हम आपको फटे दूध के छेना यानी वाइट रसगुल्ला बनाना बताएंगे। तो ये देखिए, हमारा 1 लीटर दूध था, तो जो ये हमारा अपने आप से ही फट गया है। ये देखिए अपने आप से ही ये हमारा दूध जो है वो फट गया है। इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और उबालेंगे। अब ये दूध देखिए इस तरह का जो है, अब वो फट चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको छानते हैं। अब यहाँ पर एक हम कटोरा लेंगे और छन्नी लेंगे। अब इसको हम जो एक सूती कपड़ा है या इस तरह का कपड़ा है जिससे जो ये अच्छे से छन जाए, तो इसको हम छानते हैं। तो इस तरह से हम कपड़ा को कर लेंगे और धीरे धीरे हम इसको इसमें डालेंगे। आप ना कपड़ा जो है जैसे छान रहे हैं, इसको थोड़ा साफ सुथरा ही लीजिएगा, क्योंकि जो पानी है इसका, इसको भी यूज करेंगे। तो जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, जूस वाली सब्जी, तो आप उसमें ना इसको बना सकते हैं, जूस वाली सब्जी में इसका पानी डाल सकते हैं। या आप आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें आप डाल लीजिए। या आप दाल बना रहे हैं तो इसका पानी जो है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, हमने इसको डाल दिया है और इसको हम इस तरह से, ये देखिए, ओ सॉरी, इसको ऐसे करके पकड़ लेंगे। ये देखिए इतना हमारा, आप ये थोड़ा क्या है ना, पैकेट का दूध है तो इस चक्कर से थोड़ा सा कम ही निकला है। इस तरह से दबा के हम इसको निकाल लेंगे। इसको बहुत ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का इसमें इसका पानी रखना है। जैसे लोग पोटली में बांध के टांग देते हैं, तो उस तरह से नहीं करना है। इसको ऐसे ही हम निकाल लेंगे। ये देखिए बस इतना ही निकालना है। ये देखिए इतना जो है ना, इस तरह से हमारा ये जो है इतना निकल आया है। तो आपके उसमें दूध में जितनी ज़्यादा मलाई होगी आपका जो, उतना ही ज़्यादा इसमें आपका निकलेगा। हमारा थोड़ा सा मलाईदार कम था, तो देखिए इतना निकला है। अब इसी से हम आपको बनाना बता रहे हैं। ये देखिए हमने इस तरह का निकाल लिया। इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर भी है, तो पूरा हमने इसको नहीं किया है ना, इसको ठंडाना है ना, इसको पोटली बना के टांगनी है, कुछ भी इसका तो नहीं करना है। ये देखिए इतना हम इसका रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इतना हम इसको रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये पानी है, ये तैयार हो गया। अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी में भी आप इसको डाल लीजिएगा, उसमें भी टेस्टी बनती है। तो इसको अब हम साइड में रखते हैं। तो इतने पनीर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो इतनी हम चीनी लेंगे। ये हमारी थोड़ी बड़ी कटोरी है, ये देखिए आप, तो इतनी चीनी लेंगे और इसको हम भगोने में डाल देते हैं। ये देखिए इतनी चीनी है, तो इसको हमने डाल दिया। अब क्या है, अब इसमें पानी कितना डालें, तो यहाँ पर हम नाप के पानी डाल लेंगे, क्योंकि इसको हमको एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। नॉर्मल जो है, जैसा पतला पतला आपका वो होता है चाशनी, वैसी बनानी है। तो यहाँ हमने इस तरह के 2 गिलास पानी डाला है, एक हम और इसमें डाल लेंगे। तो हम आपको बहुत सिंपल विधि से बता रहे हैं। तो ये देखिए अब इसको हम गैस में चढ़ा देते हैं। जब तक हमारी चाशनी बन रही है, तब तक आप क्या करेंगे, ये जो हमारा पनीर है हमने रेडी किया था, इसको ऐसे करके रगड़ेंगे। तो इसको हमको थोड़ा सा चिकना चिकना सा इसको हमको बनाना है, जिससे हम हमारी ये जो बॉल्स हैं वो अच्छे से तैयार हो जाए। अभी ये देखिए अभी बहुत ये फट रहा है, तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी इसमें बहुत मेहनत लगनी है। तो अभी थोड़ी सी मेहनत करते हैं इसमें। अब ये जो हमारा पनीर है, देखिए कितना अच्छा सा चिकना चिकना कर लिया है। इसको करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आरा रोट लेंगे, और आरा रोट और इसको दोनों को मिला के अच्छे से हम इसको गूंथ लेते हैं। इससे क्या रहता है कि जो आपके छेना है वो फटते नहीं है, और अच्छा सा इसमें टेक्सचर जो है तैयार हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा और इसको मिला लेते हैं।
पानी अब उबलने लगा है, इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में इसको अभी हम उबलने देंगे, तो जिससे चीनी और पानी अच्छे से आपस में मिल जाए। तो इसको 3 से 4 मिनट अभी उबलने देते हैं। इसको हमने अच्छे से मसल दिया है। अब एक इसकी हम छोटी सी बॉल बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक हम पहले छोटी सी बॉल बनाकर जलाओ में डालते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बॉल बनाते हैं, इसको जलाओ में डालते हैं, ऐसे बना लीजिए, फिर इसको जलाओ में डालिएगा। अब ये जो बॉल है इसको हम जलाओ में डाल के देखते हैं कि ये हमारी फटती है कि नहीं फटती। अगर हमारी ये फट जाती है तो थोड़ा सा हम इसमें अरारोट डालकर और हम इसको मसल लेंगे। तो अब थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि ये हमारा फट रहा है कि नहीं फट रहा है। आप पूरी विधि ध्यान से देखेंगे तो आप पहली बार में ही बहुत अच्छे से आप ये छेना यानी वाइट रसगुल्ला बनाना आप सीख जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि फटता है कि नहीं फटता है। अगर फट जाता है तो थोड़ा सा आरारोट और मिलाकर इसको अच्छे से गूँथ लीजिएगा और फिर इसको थोड़ा सा छोटी सी बॉल बना के चेक कर लीजिएगा दोबारा भी कि फट रहा है कि नहीं फट रहा। अगर नहीं फट रहा है तो इसको पूरी तेज़ आँच में ही आप इसको पकाना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, तेज़ आँच में आपको रखनी है। अब ये देखते हैं हमारा क्या कंडीशन है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी हमारा फट नहीं रहा है। तो इसको हल्का सा और वेट कर लेते हैं और तब तक जब ये हमारा इस तरह से अभी उबल रहा है तब तक हम इसके बॉल बना लेते हैं फटाफट। अब ये देखिए हमारी जो छोटी बॉल्स हैं वो फटी नहीं है। तो अब हम इसको इसमें सभी हैं इनको हम बना बना कर डाल देते हैं। तो अब जल्दबाजी नहीं करनी है डालने में, आराम आराम से डालिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, जिससे इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और आपकी गैस है वो तेज़ रहनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इनको 15 से 20 मिनट मतलब पकाएंगे। तो और है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये है, इनको भी हम थोड़े थोड़े अंतराल में ही डालना है, फटाफट नहीं डालना। जैसे अभी हमने डाल दिया तो हल्का सा वेट किया, तब तक हम दूसरे जो और हैं इनको भी हमने बना लिया। तो टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन रहेगा और हम फटाफट इनको बना के डाल भी देंगे। अगर आपका जलाव कम हो गया है तो एक अलग बर्तन में आप जलाव बना लीजिएगा फिर इसमें डाल दीजिएगा। तो अब ये जो है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सब डालते जाएंगे धीरे धीरे करके, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, आराम आराम से डालिएगा। कलछी अलछी कुछ नहीं चलाइएगा, आराम आराम से आप इसको बस पकाते जाइएगा। आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा सा फूले फूले दिख रहे हैं आपके, 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये देखिए फूले फूले आपके तैयार हो रहे हैं। जो जो इसका टाइम बढ़ रहा है त्यों तो ये आपको फूले फूले दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए फूले फूले से आपको ये दिख रहे होंगे। जो हमारे छोटे छोटे से वो पहले डाले थे वो भी देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको घुमाते जाएंगे, पकाते जाएंगे थोड़ा सा। तो ये 15 से 20 मिनट में आपके अच्छे से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से रेडी हो जाएंगे। हमारे छेने 15 से 20 मिनट अच्छे से ये पक गए हैं। अब इनको हम 2 से 3 घंटे आराम से इसको इसमें अब हम फूलने देंगे, जिससे इसका अर्क है वो और अच्छे से आ जाए और ठंडे भी हो जाएँ।